नमस्कार, YouTube ज्ञान संरचना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खासकर न्यूज है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पश्चिम बंगाल अभ्यर्थियों के लिए रिजल्ट संबंधित हैं। ममता बनर्जी सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या अनाउंसमेंट की है, इस पर न्यूज आया है, देखते हैं क्या है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक के मूल्यांकन पर शीघ्र फैसला लेगा शिक्षा विभाग, ममता बनर्जी। कोलकाता सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के मूल्यांकन को लेकर शीघ्र नई सूचना विभाग जारी करेगा। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए किस तरह मूल्यांकन किया जाएगा, इसकी एक रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से शिक्षा विभाग के पास जमा करवाई गई है। इसी पर सोमवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के मूल्यांकन प्रणाली को लेकर माध्यमिक बोर्ड व उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपने सुझाव दे दिए हैं। अब एक दो दिन में ही इस पर फाइनल घोषणा शिक्षा विभाग करेगा। ध्यान रहे, परीक्षाएं बहुत पहले ही CM ने रद्द करने की घोषणा कर दी थी। इस विषय में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली ने कहा कि किस प्रकार छात्रों का मूल्यांकन किया जाए, इससे लेकर हमने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है। इन्होंने अपना रिपोर्ट जमा कर दिए हैं, लेकिन उसको जब तक अप्रूवल नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। सोमवार को CM की घोषणा के बाद शिक्षक संगठन में इस बात की चर्चा है कि परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री फिर से विचार करें। काफ़ी शिक्षक संगठन सोशल मीडिया के जरिए भी अपना अपील दोहरा रहे हैं इस विषय में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर सौगत राय का कहना है कि जब 16 जून से 25% कर्मचारियों के साथ कार्यालय, शॉपिंग मॉल और पार्क खोले जा रहे हैं तो होम सेंटर में परीक्षाएं भी ली जा सकती है। परीक्षा देकर ही छात्रों को संतोष होगा। शिक्षक नेता सपन मंडल व सेकेंडरी टीचर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव विश्वजीत मित्रा ने भी इसे ऐसी ही राय व्यक्त की है। उनका कहना है कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा के मूल्यांकन के लिए स्कूलों के पास कोई ठोस डेटा नहीं है। जो मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जाएगी उससे मेधावी छात्रों की बहुत क्षति होगी, वे उच्चतम अंक हासिल नहीं कर पाएंगे। इस पर राज्य सरकार को फिर से सोचना चाहिए। 25% कर्मचारियों के साथ 16 जून से कार्यालय मॉल खुल रहे हैं तो होम सेंटर परीक्षा लेने पर भी पुनर्विचार करे सरकार। शिक्षक संगठनों का यह कहना है कि होम सेंटर करके परीक्षा लेने के लिए मांग कर रही हैं, क्योंकि मेधावी छात्रों के लिए